आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग जंप फाउल। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लॉन्ग जंप फाउल कैसे सुधारें। अगर हमारा बार बार फाउल हो जाता है, हम अच्छे से स्टेपिंग लेते हैं लेकिन फिर भी आपका फाउल हो जाता है, उसके वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती आप क्या करती है वो देखती है, और गलती दोस्तों हम बाद में देखेंगे, फिलहाल यहाँ पर हम देखो जो मैं अभी बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका फाउल हो जाता है, ठीक है। यहाँ जो आपका फाउल मार्किंग होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका फाउल हो जाता है। एक तो आपका जो पैर है दोस्तों, आपका जो फुट है ऐसे आगे जाता है। यहाँ पर जो आपका जो फाउल मार्किंग है, यहाँ से आगे आपका पैर नहीं जाना चाहिए। और एक बात, यहाँ पर भी दोस्तों आपका ऐसे पीछे नहीं रहना चाहिए पैर। अगर ऐसे पीछे पैर रह जाएगा यहाँ पर इस तरह से, तो दोस्तों इस तरह ये जो 20 या 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ना, वो दोस्तों कम हो जाएगा। अच्छे से दोस्तों समझ लो, क्योंकि दोस्तों आपका पैर भी दोस्तों यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों आपका जो डिस्टेंस है वो 100% बढ़ जाएगा। अगर आप 12 फीट 13 फीट लगाओगे दोस्तों, आपको 14 फीट 15 फीट तक जंप लगा सकते हो। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि आप गलती क्या करते हो, कौन सी गलती करते हो उसके वजह से आपका जो फाउल है वो अच्छे से आप निकाल नहीं सकते, क्यों फाउल हो जाता है। और दोस्तों जो अभी मैं बताने वाला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो देखो अभी क्यों आपको और किस तरह से आपको क्यों फाउल हो जाता है और उसके वजह से क्या होता है। सबसे पहली गलती कि आप दोस्तों छोटे स्टेप लगाते हो। जब आप स्टेपिंग लेते हो तो दोस्तों आप छोटे छोटे इस तरह से स्टेप लगाते हो, और इसके वजह से आपका एक तो पैर पीछे रह जाता है, नहीं तो आगे रह जाता है, और इससे आपका तो फॉल 100% होता है, और आपका स्पीड भी नहीं रखता और आपकी जंप भी अच्छी नहीं जाती। और दूसरी गलती कि आप लंबे लंबे स्टेप लगाते हो, और इसके वजह से आपका दोस्तों स्पीड तो अच्छा लगता ही नहीं, और आपका जो स्पीड है वो ब्रेक हो जाता है, और आपका एक तो फॉल हो जाता है, और इससे आपका पैर एक तो आगे रह जाएगा नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो ये दो गलती आपको बिल्कुल ही करना नहीं है। आपको लंबे स्टेप और छोटे स्टेप लगाना नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा स्पीड से आना है और हर एक स्टेप आपको सेम लगानी है। और दोस्तों आगे आप पूरा वीडियो देखना, आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। अब हम यहाँ पर स्टेपिंग हमें कैसे लेना है ये जानती है, और उसको कैसे नापे। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेपिंग लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैर है, आप जिस पैर पर जंप लगाते हो, अगर राइट हो या लेफ्ट हो, मैं लेफ्ट पैर पर जंप लगाता हूँ, इसलिए लेफ्ट पैर हमें उस टेकआउ बोर्ड पर रखना है। और यहाँ से हम स्टेपिंग लेंगे, और वो कितने लेंगे आपको 12, 14, 16 इस तरह से सम संख्या में लेना है। मैं अभी 12 स्टेपिंग लेने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने जब जाते समय दोस्तों मेरी स्टेपिंग देखो, इस तरह से दोस्तों आपको स्टेपिंग लेना है, छोटे भी नहीं और लंबे भी नहीं। और दोस्तों वहाँ से दोस्तों आप वहाँ पर दोस्तों आपका लेफ्ट पैर आता है, और वहाँ से भी आपको लेफ्ट पैर पर रनिंग करके आना है। और यहाँ से दोस्तों मैं अभी रन कर रहा हूँ, दोस्तों मेरे स्टेपिंग को आप अच्छे से नाप लो। इस तरह से दोस्तों मेरी 12 स्टेप अभी पड़ने वाले हैं, और 12 स्टेप है जो टेकआउट बोर्ड पर ही मेरा लेफ्ट पैर आएगा। इस तरह से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर देखो मेरी स्टेपिंग किस तरह से आ रही है, और छोटे स्टेप भी नहीं और लंबे स्टेप नहीं। इस तरह से दोस्तों अगर स्ट्राइड लेप आप अच्छे से लगते हो दोस्तों, आपका स्पीड भी अच्छा रहेगा और आपका फॉल भी नहीं होगा, बिल्कुल फॉल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने दोस्तों 12 स्टेपिंग ली है, तो अब हम इस 12 स्टेपिंग को नापते हैं, और आपको कैसे नापना है। और दोस्तों इसके बाद में हम देखेंगे, अगर आप अच्छे से स्टेपिंग लेने के बाद भी अगर आपका फॉल हो जाता है तो आप क्या गलती करते हो, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल अब हम इसको कैसे नापे ये वो देखो। यहाँ पर दोस्तों आपको इस तरह से ये जो 12 स्टेपिंग है, और आपका दोस्तों अगर वहाँ पर आपने लेफ्ट पैर को रखा था तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका जो 12 स्टेपिंग पैर हो आपका लेफ्ट पैर ही आना चाहिए, और आता ही है। और तो मैंने पहले ही बताया कि दोस्तों आपको स्टेपिंग कैसे लेना है, और मैं हम और आपका जो कम ज़्यादा स्टेपिंग होते है वो गलती आप क्या करते हो वो नेक्स्ट में बताने वाला हूँ। फिलहाल हम यहाँ पर अच्छे से नापते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, एक तो इस तरह से 12 स्टेपिंग को आप ऐसे फुट ऐसे नाप सकते हो, इस तरह से ये जितना हो जाता है उसको आपको ध्यान में रखना है। जब आप फिजिकल के लिए जाते हो तब दोस्तों आपको इस तरह से वहाँ पर भी इस तरह से नापना है कितना फुट हो जाता है। और दोस्तों आपको गलती नहीं करना है इसको नापने में, दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। और हर एक बात आप इस तरह से टेप से भी नाप सकते हो, मतलब कहाँ से नापना है उस टेकआउट बोर्ड पर देखते हैं। चलो तो यहाँ पर भी जब आप नापते हो तो दोस्तों यहाँ से आपका जो टेकआउट बोर्ड है यहाँ से आपको नापना है।
इस तरह से 1 2 3 4, जितना उस बार स्टेपिंग पर हो जाता है उतना आपको नापना है। और नेक्स्ट टेक्निक क्या है, आपको इस तरह से टेप से नापना है। यहाँ पर आपको टेप को रखना है इस तरह से, तो किसी को पकड़ने के लिए कहो, और यहाँ से दोस्तों आपको इस तरह से नापना है। वहाँ पर जो टेकआउट है वहाँ से आपको रखना है और ऐसे आपको नापना है। और अगर आपको दोस्तों नापने के बाद भी अगर फॉल हो जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों हम यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, अगर आप अच्छे से नापते हो उसके बाद भी अगर फॉल हो जाता है, मतलब क्या, एक तो आपका यहाँ पर हो जाता है, एक तो पीछे रह जाता है, तो वो क्यों हो जाता है? तो सबसे बड़ी गलती है दोस्तों आप स्टेपिंग अच्छे से लेते नहीं हो, आपका जो स्टेपिंग है वो दोस्तों आप कम ज़्यादा करते हो। तो दोस्तों आपको स्टेपिंग अगर आपके कम ज़्यादा हो रही है तो दोस्तों आप इस तरह से कोन को रख सकते हो, और ऐसे आपको हर एक स्टेप को आपको दोस्तों नापना है। आप दोस्तों कोन भी रख सकते हो, नहीं तो आप दोस्तों टेप से भी नाप सकते हो, और आप हर एक स्टेप को नाप सकते हो। दोस्तों आपको कम ज़्यादा जो स्टेप है वो बिल्कुल ही करना नहीं, इसके वजह से आपका फॉल हो जाता है। ऐसे दोस्तों आपको हर एक स्टेप को अच्छे से लगाना है, जब जाते समय जब फास्ट जाते हैं उसी समय आपको स्पीड से वापस आना है, और आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पैर है वो 100% टेकओवर पर आएगा और आपका जो फॉल है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। आपको दोस्तों फॉल को अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से स्टेपिंग लेना है, और इसके बाद दोस्तों आपका फॉल बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, और हफ्ते में दोस्तों आपको एक फिजिकल से पहले, अगर आपको कम समय है दोस्तों फिजिकल से पहले 2 वीक में इस तरह से आपको 2 या 4 बार 4 या 5 बार इस तरह से आपको स्टेपिंग लेके अच्छे से अप्रोच लेना है, अच्छे से फॉल चेक करना है, आपका जो फॉल है 100% क्लियर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आपकी जो जंप है वो क्यों नहीं बढ़ती, उसका क्या रीज़न है इसके वजह से आपकी जंप नहीं बढ़ती, और जंप जल्दी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ भी करने से आपकी जंप नहीं बढ़ती, इसके बारे में दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे। दोस्तों इस तरह से आपको वीडियो देखना है, आपको बहुत अच्छे तरह से फ़ायदा मिलेगा, और इस तरह से आप वीडियो देखते रहना, हम बहुत अच्छे तरह से वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।